वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पठान के चलते चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच मेकर्स भी इस फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। बीते दिनों आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। भाईजान को यशराज स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया था। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों मिलकर फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान खान इस फिल्म में टाइगर किरदार को निभाते हुए दिखाई देंगे। इन बातों के अलावा अब जो खबर सामने आई है उसने सभी को चौंका दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई फिल्म सिटी में पठान के लिए मेकर्स ने अफ्रीकन आर्मेटिक का सेट तैयार किया है। खबरों के अनुसार मेकर्स ने मुंबई के फिल्म सिटी में अफ्रीकन आर्मेटिक से मिलता जुलता सेट बनाया है। शाहरुख खान पठान में रॉ एजेंट की भूमिका में दिखाई देंगे। यह सेट अभिनेता के अंडरकवर मिशन को देखते हुए बनाया गया है। इसके अलावा कार्टेल के बीच लड़ाई का सीन शूट किया जाएगा। अभिनेता ने इस सीन की शूटिंग शुरू कर दी है। वैसे आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।